जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर से। दोस्तों, आज हम जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला हमने चला रखी है, उसमें बच्चों की एक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बच्चा कुछ दिन पहले मेरे पास अपने पेरेंट्स के साथ आया। लड़का था, सपोज एक्स, उसकी उम्र थी 7 साल, ठीक है। और उसके पेरेंट्स क्या कंप्लेन लेके आए, राजस्थानी बैकग्राउंड से थे, कि डॉक्टर साहब वो तो डफोड़ है, इन्हें कुछ भी कह दो समझ में आओ को नहीं, ना इन्हें स्कूल में समझ में आवे, ना इन्हें घर में समझ में आवे। मतलब वो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से समझ नहीं पा रहा था। पेरेंट्स कह रहे थे इससे छोटा भाई 5 साल का है, वो इससे ज़्यादा समझ रहा है, ये 7 साल का होकर भी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब उसमें उम्र के हिसाब से समझदारी नहीं है इस बच्चे में। जितनी इस उम्र के बच्चे को जितनी समझदारी होनी चाहिए, उतनी समझदारी इस बच्चे के अंदर नहीं है। पहली कंप्लेन तो उसकी यह थी। दूसरी कंप्लेन कि यह अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है। 7 साल का बच्चा अगर 5 साल 6 साल के बच्चों के साथ खेले, नहीं, ये इस घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा 2 साल का 3 साल का, उनके साथ जाकर के खेलना शुरू हो जाता है। इसके बराबर बच्चों के साथ यह नहीं खेलता, जो अपने से छोटी उम्र के बच्चों से के साथ खेलता है, ये उसकी दूसरी कंप्लेन। अपनी बराबर के बच्चों के साथ, इसके क्लास के बच्चों के साथ यह नहीं खेलता। तीसरी कंप्लेन, इसकी स्कूल से शिकायत आती ही रहती है कि यह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन से सब्जेक्ट में यह कमज़ोर है, कोई खास इस तरह का सब्जेक्ट हो जैसे गणित है या इंग्लिश है या हिंदी है। उन्होंने कहा नहीं, हर सब्जेक्ट में यह कमज़ोर ही है, इसके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, धक्के से ही पास करके अगली क्लास में बिठाया जा रहा है, तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। और चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई कि इसको चाहे कुछ भी सिखाने का, नया सिखाने की कोशिश करें, तो ये नई चीज़ सीख जल्दी से नहीं पाता, नई चीज़ को सीख नहीं पाता है जल्दी से, उसको बहुत मुश्किल होती है सीखने में। जैसे इसको जूते के फीते बांधने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए जूते के फीते बांधना सीख जाए, लेकिन ये अभी तक स्कूल जाने के लिए जूते के फीते बांधना नहीं सीखा, अपनी शर्ट के बटन लगाना नहीं सीखा। तो इस तरह हमने बहुत बार इसको सिखाने की कोशिश कर ली, लेकिन ये सीख नहीं पा रहा। तो इस तरह की 4 कंप्लेंट्स के साथ ये बच्चा मेरे पास आया। देखने में एकदम शांत सा बच्चा था, नॉर्मल सा लग रहा था। जब कंप्लेंट्स पे गौर किया तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हो ना हो इस बच्चे की बुद्धि का विकास जो है वह कम हुआ है, इसमें बुद्धि ही इतनी डेवलप नहीं हुई है। इसका शरीर तो 7 साल का हो गया है, लेकिन इसकी बुद्धि जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं 2.5 साल 3 साल के बच्चे जितनी, 2 साल के बच्चे जितनी है। तो ये उसके अकॉर्डिंग ही सोचता है, जैसा 2 साल या 3 साल का बच्चा सोचता है उसके हिसाब से ही सोचता है और उसके हिसाब से ही काम करता है। शरीर चाहे 7 साल का इसका हो गया है, तो जहाँ बुद्धि के विकास में कोई बाधा हो, कमी हो, उस बीमारी को दोस्तों कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। ये भी एक नई टर्म है। इस बीमारी को पहले जो है वो मेंटल रिटार्डेशन नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल DSM-5 में इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर नाम से जाना जाने लग गया है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दो चीज़ों में प्रॉब्लम होती है इन बच्चों में जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं। एक तो इनमें ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है, इन बच्चों के अंदर जो है वह इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी बुद्धि से जो भी काम किए जाते हैं उनका ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है। जहाँ भी बुद्धि लगाना है वहाँ ये बुद्धि लगा करके काम नहीं कर पाते, पहली बात ग्लोबल इम्पेयरमेंट इन फंक्शन। दूसरा बात सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सो अडेप्टिव बिहेवियर। इसका क्या मतलब हुआ, अडेप्टिव बिहेवियर का क्या मीनिंग हुआ है कि किस तरह का व्यवहार बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट में या अपने आसपास जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे
जैसे मान लो कहीं किसी की डेथ हुई है तो वहाँ उसको शांति से बैठना चाहिए, गमगीन माहौल है तो शांत बैठना चाहिए, हंसी खुशी का माहौल है, बर्थडे पार्टी है तो उसे भी एंजॉय करना चाहिए। तो जो आसपास की पर्यावरण या परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप वो खुद को ढाल नहीं पाते हैं, वहाँ उसका इम्पेयरमेंट होता है। एक तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, दूसरा अपने आसपास के पर्यावरण और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये दो पार्ट हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर में अफेक्टेड होते हैं। कैटेगराइज अगर हम इसको नापते कैसे हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर को नापने के लिए या पहचानने के लिए, आईक्यू टेस्ट होता है, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन टेस्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। अलग अलग मेथड्स होते हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगे कि मेरे बच्चे में की बुद्धि कितनी है कैसी है तो आईक्यू टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। तो आईक्यू टेस्ट के हिसाब से जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड इन चार कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो माइल्ड वाला जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनका आईक्यू जो होता है 50-69 के बीच में होता है। मॉडरेट वाला जो होता है वो जो है वह आता है 35-49 के बीच में, और जो ये सीवियर वाला होता है वो 20-34, और जो प्रोफाउंड वाला है वो लेस देन 20। तो आईक्यू के रेंज के हिसाब से इसकी सीवियरिटी डिसाइड की जाती है। जो जितना ज़्यादा सीवियर है प्रोफाउंड उतनी ही उसमें बुद्धि कम होती है, वो उतना ही अपने काम कर नहीं पाते हैं। जो साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कुछ बीमारियां को एज ए कोमॉर्बिड इलनेस भी मिलती हैं, साथ में पाई जाती हैं, जिसमें खास तौर पे हैं सीजर्स, मिर्गी के दौरे आते हैं इन बच्चों को, कुछ बच्चों में ADHD भी देखने को मिल जाता है, कुछ बच्चों में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी देखने को मिल जाता है, बहुत से बच्चों में अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो देखने को मिल जाती है। बहुत से पेरेंट्स आके पूछते हैं कि सर हमारे ऐसा बच्चा क्यों हुआ। बहुत से कारण होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, बच्चे की जेनेटिक्स कैसी है या बच्चे को जब पैदा हुआ तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जो कॉमन एक कारण होता है कि डिलीवरी के टाइम अगर बच्चा बाल सांस लेने में देरी हो जाए तो भी ब्रेन हाइपोक्सिया होता है और मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीजर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती हैं। सिर्फ जो हम एक इन चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हैं वो है इनकी अडेप्टिव फंक्शनिंग, जो परिस्थिति के अनुसार किस तरह क्या व्यवहार करना है इसको हम बच्चे को सोशल एक्सपोजर दे करके उन्हें सिखा सकते हैं। परिस्थितियां वैसी बना करके सोशल स्टिमुलेशन दे करके उन्हें सिखाया जा सकता है कि किस तरह कैसी स्थिति में व्यवहार करना है। बाकी बुद्धि तो उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, 16 से 18 साल की उम्र तक बुद्धि का जो है वो विकास होता है, तो तब तक जितनी बुद्धि उनको गेन हो जाती है बस उतनी बुद्धि के साथ ही रहते हैं। आमतौर पे थोड़ा सा मंद बुद्धि रहते हैं, अपने से कम उम्र के बच्चे जितना काम करते हैं उतना कर पाते हैं ये। तो ये हुआ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं, चाहे माइल्ड मेंटल या बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन भी एक कैटेगरी होती है, जिसमें बच्चों को बेचारों को मार बहुत पड़ती है स्कूल में, क्योंकि उनको याद कुछ रहता नहीं, घर पे पेरेंट्स मारते हैं, घर पे स्कूल में टीचर्स मारते हैं, है ही नहीं उनकी इतनी बुद्धि कि वो अपनी उम्र की क्लास के सब जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ पाएँ या समझ पाएँ। तो ज़रूरत है कि हम इसको समझें कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है, और इन बच्चों को मारने से डांटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई साथ में बीमारी है तो उसका इलाज कराया जाए, और उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग को कैसे सुधारा जाए इसके लिए हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलें। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद लगी होगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।